हेलो स्टूडेंट्स, रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स सुने होंगे या पढ़े होंगे जिसमें ये मेंशन है कि इंडिया कंप्लीटली स्टॉप्स द रावी रिवर वाटर फ्लो टू द पाकिस्तान। अब ये किस वजह से हुआ और इसका इंप्लीकेशन क्या है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में, ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, तो दैट वी विल स्टडी टूडे। ओके, व्हाट इज द न्यूज? की कंप्लीशन ऑफ द शाहपुर कांडी बैरेज हैज इफेक्टिवली सीज द फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम रावी रिवर इनटू द पाकिस्तान। ठीक है, ये रिपोर्ट में आया था कि ये जो शाहपुर कांडी बैरेज जो डेवलप हुआ है, बना है, कंप्लीट हुआ है, उसकी वजह से जो रावी रिवर का फ्लो था वो कंप्लीटली स्टॉप हो गया है। अब इसका एक बार ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं कि ये शाहपुर बैरेज कहाँ पे लोकेटेड है। ये पंजाब एंड जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे लोकेटेड है। जैसे आप इस फिगर पे देखोगे, ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर, ये है पंजाब, तो और ये दोनों के बीच में ये बॉर्डर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये शाहपुर कांडी बैरेज है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक और न्यूज में या एग्जाम से पूछ सकते हैं कि रणजीत सागर डैम कहाँ लोकेटेड है। तो आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे कि ये रहा रणजीत सागर डैम, इसी के पास में ये शाहपुर कांडी बैरेज डैम है। एक और इमेज से क्लियर करते हैं, ये आप देखो ये जम्मू कश्मीर है, नीचे हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पे ये पंजाब वाला रीजन है। ये पंजाब का ये छोटा सा रीजन आप देखोगे तो ये जो बॉर्डर है यहाँ पे हमारा क्या है, शाहपुर कांडी बैरेज है। ये इमेज मैंने गूगल से निकाला है। ये रहा जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये ब्लू कलर जो लाइन देख रहे हो ये हमारा रावी रिवर है। ठीक है, ये जो ब्लू फ्लो हो रहा है रावी रिवर है। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या हो रहा था, हमारा पाकिस्तान में चल जाता था। ये रिवर फ्लो होके पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो रहा था और इससे क्या है कि काफी जो वाटर है, जो पहले अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन एकड़ फीट ऑफ द वाटर था रावी रिवर का, वो अनयूटिलाइज रहता था इंडिया में। अब इससे क्या हुआ हम देखेंगे कि अब ये बैरेज जब कंप्लीट हो गया है तो ये वाटर जो फ्लो कर रहा था पाकिस्तान की तरफ, अब पाकिस्तान में ना जाके इंडिया में ही इसका यूटिलाइजेशन होगा। एक बार हम जी शाहपुर कांडी बैरेज जो है इसका एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं। फाउंडेशन कब की गई थी इसकी, 1995 में इसको ले किया गया था, फाउंडेशन शुरुआत की गई थी, जिसको किसने किया था, पीवी नरसिम्हा राव ने इसको इनिशिएट किया था इस प्रोजेक्ट के। बट ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू स्टेट्स, पाकिस्तान इंडिया में जो टू स्टेट्स हैं जिसके बीच में ये लोकेटेड है, कहाँ पे, पंजाब और जम्मू कश्मीर, क्योंकि बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही थी, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, डिस्प्यूट्स हो रहे थे, डिलेज हो रहे थे, जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। फिर क्या हुआ, 2016 में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया ने इनिशिएट किया और प्लेज किया कि जो भी हमारे रिवर्स हैं, इंडस रिवर सिस्टम की जो 5 रिवर सिस्टम है, जो 3 इंडिया को असाइड है, उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। इन्होंने प्लेज किया कि ऑप्टिमाइज द वाटर रिसोर्स फ्रॉम द सतलज, ब्यास, रावी रिवर्स, ये तीनों क्या है, इंडिया में फ्लो करती है, फुली इंडिया को दिया गया है इसका, तो उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। साथ ही साथ 2018 में इसको क्या कहा, नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया था इस शाहपुर कांडी बैरेज को। तो ये है इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब इससे एडवांटेज क्या होगा इंडिया को, इंडिया में क्या मेजरली 2 स्टेट्स के बीच में है, जम्मू कश्मीर और पंजाब में। अब जम्मू कश्मीर के ओवर 32,000 हेक्टेयर का जो लैंड है उसको इरीगेशन मिलेगा, स्पेसिफिकली सांबा और कथा जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें इरीगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होगी। साथ ही साथ क्या होगा, ये जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी अप टू 206 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। हमने देखा इसमें 32,000 हेक्टेयर से जम्मू कश्मीर के एरिया को इरीगेट करेगा, साथ ही साथ पंजाब को क्या बेनिफिट होगा, 5,000 हेक्टेयर ऑफ एरिया इरीगेशन पर्पज से डेवलपमेंट होगा। तो हम देखेंगे कि कोई भी अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है या इरीगेशन के लिए अगर डैम बैरेजेस बने हैं तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस रीजन के लिए, फार्मर्स के लिए स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं। तो ये मेजर एडवांटेज जो है जो इंडिया को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र जरूर किया जाता है। ये ट्रीटी कब लॉन्च, कब इनिशिएट किया गया था, इसको 1960 में फाइनलाइज किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें क्या हुआ था कि जो इंडिया और पाकिस्तान में जो रिवर्स हैं, आप देखोगे जैसे यहाँ पे क्या है, 6 रिवर सिस्टम है यहाँ पे, आप इंडिया और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वाले रीजन में। तो ये जो 3 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, इनको कंट्रोल दिया गया था। किसको कंट्रोल दे दिया गया था, पाकिस्तान को, इन तीनों रिवर्स का कंट्रोल दे दिया गया था, ये वेस्टर्न रिवर्स का। और साथ ही साथ इंडिया के पास कौन सी रिवर्स आई हुई थी, रावी, ब्यास और सतलज। ये रही रावी, ब्यास और सतलज, इनका कंट्रोल किसके पास आया, इंडिया के पास कंट्रोल आया था। तो ये एग्री हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी में। साथ ही साथ इसके साथ एक परमानेंट इंडस कमीशन भी सेटअप किया गया था, जिसमें क्या है कि अब जो रिवर्स फ्लो तो होती रहेंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज डिस्प्यूट होंगे, तो उनको कम्युनिकेशन बना
राजस्थान के बीच में इन रिवर्स से रिलेटेड, तो उसके लिए परमानेंट इंडस कमीशन स्टैब्लिश की गई थी। साथ ही साथ एक और चीज में टीटी कहा गया था कि आप कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, लिंक कैनाल्स या फिर ट्यूबवेल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और इतना भी ना हो कि आप प्रॉपर फ्लो वाटर नहीं रोक सकते, मतलब आप 100% वाटर का फ्लो नहीं रोक सकते, आप उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हो, उसमें कैनाल्स और बैरेजेस बना सकते हैं हम उन रिवर्स पे। तो ये हमारी इंडस वाटर ट्रीटी। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि 2021 में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था PYQ, हम देख रहे हैं यहाँ पे 2021 का, इस रिवर से रिलेटेड ही, इंडस वाटर से रिलेटेड ही आया था कि विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर्स, द थ्री ऑफ देम पोर इनटू द वन, मतलब तीन रिवर्स मिलके किसी एक में पोर होती हैं और वो फाइनली जाके इंडस में मिलती हैं, और ये कौन सी रिवर है ये आपको बताना था। तो ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ, ये आप करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होपफुली आपको ये न्यूज कंटेक्स्ट समझ में आया होगा कि रिवर वाटर फ्लो अब इंडिया में कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।